यस फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष नमस्कार, अ वार्म हग टू ऑल ऑफ यू। वीवर्स फ्रेंड्स, आज हम फीवर के ऊपर चर्चा करेंगे। सो ज़्यादातर मैंने देखा है कि पेशेंट्स कहते हैं मैं बुखार मुझे महसूस हो रहा है। सो बुखार महसूस होने की चीज़ नहीं होती, बुखार को हम टेम्परेचर से नापते हैं। वो टेम्परेचर जो होता है दैट इज थ्रू अ थर्मामीटर। सो थर्मामीटर टेल्स यू अबाउट वेदर यू हैव अ फीवर और नॉट। सो कैसे बुखार लेना चाहिए, किस तरीके से थर्मामीटर से नापना चाहिए, कौन सा टेम्परेचर फीवर कहलाना चाहिए, फीवर के क्या कारण होते हैं, फीवर के समय आपको क्या एहतियात रखनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब उसको आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। छोटे बच्चे के केस में जो 6 महीने से लेकर 5 साल के, जिनको हम इन्फेंट कहते हैं, शिशु कहते हैं, इनमें टेम्परेचर किस तरीके से नापना चाहिए। इनमें फेब्राइल कन्वर्जेंस, मतलब जब इनको बुखार होता है तो फेब्राइल कन्वर्जेंस कहलाता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। बड़ों में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस समय क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या पट्टी करना चाहिए, ऐसी सब स्थिति के बारे में आपको ये 5 मिनट का ट्यूटोरियल बताएगा जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, इसको आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, फीवर क्या होता है, फीवर किसको बोलना चाहिए? देखिए 98.6 जो हम नॉर्मली अपने टेम्परेचर लेते हैं वो फॉरेनहाइट में होता है, उसको हम एफ कहते हैं। तो टेम्परेचर की जो कैलिब्रेशन है वो फॉरेनहाइट में 98.6 से ऊपर होता है तो अक्सर लोग कहते हैं बुखार है और फिर उसको एंट्री नहीं देते, तो ये बात सही नहीं है। इवन 100 के आसपास भी टेम्परेचर किसी समय दिन भर में नॉर्मल माना जाता है। सो लोगों को जानकारी के करेक्ट अभाव में बहुत सारी गफलत या बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हुए हैं, और कोविड के कारण तो लोगों की एंट्री बंद कर दी। आप मेट्रो में नहीं जा सकते, ट्रेन में, प्लेन में नहीं जा सकते, होटल में नहीं घुस सकते अगर आपको 99-100 रहे, जबकि वो टेम्परेचर है नहीं, फिर भी लोगों को रोक देते हैं। सो पीपल शुड नो अबाउट द करेक्ट थिंग, दैट्स व्हाई मैंने ये ट्यूटोरियल लिया है। सुबह के समय 5-4 बजे आपका टेम्परेचर कम होता है 97, जिसको कि अगर दिन के समय हो या किसी व्यक्ति को हो तो हम सब नॉर्मल कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल माना जाता है। और 5-6 बजे के आसपास दिन के समय, 2 बजे के बाद टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, 99-100 होना भी नॉर्मल है। तो कब उसको नॉर्मल एबनॉर्मल मानना चाहिए, एक मेडिकल फैक्ट है। और टेम्परेचर को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में। सो 99 से लेकर 100 के आसपास भी बहुत बार टेम्परेचर सही माना जाता है, इसलिए आप परेशान नहीं हो। अगर 100 है आपको, आप आराम करिए, और अगर आपका टेम्परेचर 100 चलता है और आपके सर में दर्द है, उल्टियाँ आ रही हैं, दस्त हो रहे हैं, पकाने हो रहे हैं, साथ में आपको सांस की दिक्कत हो रही है, आप परेशान है, सो नहीं पा रहे, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, अर्थ्रालजिया है, बॉडी एक है, सो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन है। कॉमनली कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन भी पाया जाता है। आप आराम करिए 1-2 दिन, अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से मिलिए, कोई भी आयुष के डॉक्टर या कोई भी क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी मदद करेगा। सो फीवर किस तरीके से लेना चाहिए? फीवर नॉर्मली एक एडल्ट व्यक्ति में, जो 6 साल से ऊपर का बच्चा है और एडल्ट है, उसमें फीवर हम 2 तरीके से लेते हैं। एक्सिलरी लेते हैं, एक्सिलरी का मतलब आप अपने आर्मपिट्स या कांख पे लगाते हैं और लगभग 2 मिनट तक उसको रखते हैं, या अपने जीभ के नीचे उसको 2 मिनट तक रखते हैं। थर्मामीटर को, थर्मामीटर जो हम नॉर्मली अभी तक यूज़ करते आए हैं वो मर्करी बेस्ड होता है, जैसे ये है आपके सामने, और अब इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए हैं, तो दोनों ही सेम है और दोनों को ही सेम तरीके से रखना चाहिए, और दोनों ही टेम्परेचर मान्य होते हैं। स्पेशली ये टेम्परेचर 99 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में दिखाना नॉर्मल व्यक्ति में पाया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर 99 डिग्री टेम्परेचर है या 100 भी है तो जरूरी नहीं है कि उसको हम फीवर कहें। कभी कभी पेशेंट्स बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है बुखार अंदर से बाहर से है, तो जब भी आप किसी डॉक्टर को बताएं बुखार, तो वो बुखार का मतलब होता है कोर टेम्परेचर, कोर मतलब बॉडी का टेम्परेचर, तो बिना किसी थर्मोमीटर से लिए हुए उस टेम्परेचर को आप डॉक्टर को आपको नहीं बताना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ओरल टेम्परेचर या एक्सिलरी टेम्परेचर अगर 100 के ऊपर हो तो फीवर के लिए आप परेशान रहें, अदरवाइज घर पर रिलैक्स करें, आराम करें, खाना पीना खाएं, माइंड का स्ट्रेस हटाएं, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं। देखिए मित्रों, एक और बात यहाँ पे है, बच्चों के केस में टेम्परेचर ज़्यादा, छोटे बच्चे, इन्फेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 8-10 महीने या 12 महीने के नीचे हैं, उनमें जो टेम्परेचर होता है वो रेक्टल टेम्परेचर हम नापते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फीवर क्यों होता है आपको? फीवर इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में हमारे हाइपोथैलेमस होता है, जो कि एक थर्मोस्टेट है जो हमारे टेम्परेचर सेट करता है। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि ज्यादातर फीवर जब हमें चढ़ता है तो हमें कपकपी छूटती है, हमें ठंड लगती है, इसको हम कहते हैं चिल्स या रिगर्स। तो चिल्स इसलिए होती है क्योंकि आपका बॉडी जो होता है वो टेम्परेचर कंजर्व करता है,
और टेम्परेचर कंजर्व करने से आपकी जो बॉडी कपकपी छूटती है, इसके बाद आपका थर्मोस्टेट मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो हाई सेट हो जाता है, इसके बाद आपको स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है और फिर टेम्परेचर वापस नीचे आने की कोशिश करता है। सो फ्रेंड्स, फीवर होता क्यों है आपको? फीवर अगर आपको चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैरासिटामॉल खाकर उसको ठीक करते रहें। फीवर के पीछे हर समय रीजंस होते हैं। कभी आपने एक या दो बार पीसीएम खा लिया या कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स खाकर फीवर कम कर लिया तो ठीक है, आप बाद में ठीक महसूस कर रहे हैं तो भूल जाइए। लेकिन अगर आपको एक दिन से ज़्यादा फीवर कंटिन्यू करता है तो आपको उसके कारण जानने चाहिए, तभी आप डॉक्टर्स के पास आएंगे। तो कॉमन रीजंस फीवर्स के वायरल इन्फेक्शन है जो इस मौसम में होता है, वायरल चाहे कोविड हो या इन्फ्लुएंजा हो या फ्लू हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जब बैक्टीरिया का संक्रमण हमारे लंग्स में होता है तो भी फीवर चढ़ता है, पेशाब के रस्ते में इन्फेक्शन होता है तो भी फीवर चढ़ता है, नाक कान गले की बीमारियां बहुत कॉमन है, साइनोसाइटिस में भी फीवर चलता है, आजकल सबसे कॉमन है, मौसम चेंज हुआ, नाक बंद हुई, आपको पता नहीं हुआ, हेडेक्स हुआ, तो फीवर में हेडेक्स होना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमजोर महसूस करना, चक्कर आना, उल्टियां आना, कभी कभी लूज मोशंस होते हैं, पैखाना आना, तो ऐसी स्थितियों में ये फीवर के साइंस है और उसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी कभी मित्रों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत जीवन में तनाव है, स्ट्रेस है, बहुत दिनों से तनाव में रह रहा है, तो ऐसे केस में भी पेशेंट को 99 से लेकर 100 डिग्री तक टेम्परेचर महसूस हो सकता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड फीवर। सो फ्रेंड्स, फीवर क्या होता है? फीवर को हर समय नाप के आपको बताना चाहिए। फीवर क्यों होता है वो मैंने आपको एक दर्शन दिया। नंबर 3, फीवर के केस में आप पीसीएम या पैरासिटामॉल या कोई भी एंटीपायरेटिक एलोपैथिक ड्रग्स में लेते हैं तो 1 या 1.5 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये सब फीचर्स हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो नाउ आई विल स्पीक टू यू अबाउट सर्टेन अदर वेरिएंट्स और क्या आपको करना चाहिए उस केस में। बुखार मित्रों मेडिकली 3 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरमिटेंट, एक होता है रेमिटेंट और तीसरा होता है कंटिन्यूस। सो ये एक मेडिकल भाषा है लेकिन थोड़ा बहुत जानना चाहिए आपको। इंटरमिटेंट मतलब स्पेशली वायरल इन्फेक्शन जो आज के डेट में चाहे कोविड हो चाहे सर्दी खांसी हो, कोविड को भी मित्र हम इन्फ्लुएंजा लाइक सिकनेस में डाला करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंजा फ्लू सर्दी खांसी का ही वो एक वायरस है, लेकिन आज की डेट में उसने काफ़ी मुश्किल पैदा की है इसलिए वो अलग से नाम के साथ फेमस है। अदरवाइज सभी फ्लू के वायरसेस हैं अलग अलग, कभी स्वाइन फ्लू के नाम से आते हैं, कभी बर्ड फ्लू के नाम से आते हैं, अब कोविड SARS मतलब जिसने हमें सांस की दिक्कतें और चोकिंग प्रोड्यूस की है, तो इन सभी के केसेस में जो फीवर चलता है वो इंटरमिटेंट होता है। सो इंटरमिटेंट फीवर इज प्रोड्यूस्ड बाय मोस्टली वायरस नाउडेज। दूसरी कैटेगरी होती है कंटिन्यूस फीवर की। कंटिन्यूस मतलब लगातार फीवर चल रहा है, किसी भी स्थिति में वो बेस लाइन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं कर रहा है। ये टाइफाइड में पाया जाता है और भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसको मेनिनजाइटिस कहते हैं, उसमें पाया जाता है। हालांकि मेनिनजाइटिस जैसी स्थितियों में बहुत हाई टेम्परेचर भी होता है, उसको हाइपरपिरेक्सिया कहते हैं। तीसरा जो बहुत ही कॉमन है उसको हम कहते हैं रेमिटेंट। रेमिटेंट मतलब बार बार टेम्परेचर आपको आ रहा है, हाई हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर हाई हो रहा है, फिर कम हो रहा है। आज के डेट में रेमिटेंट टेम्परेचर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं है, बट स्टिल बॉडी में कई पस बना हुआ है तो वो रेमिटेंट टेम्परेचर के रूप में भी फीवर दिख सकता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर एंड हाइपरपिरेक्सिया, अगर आपका टेम्परेचर 106 के ऊपर है, लू लग गया, सेप्टिसीमिया है तो है। माइल्ड फीवर 100 के आसपास है, 100 के ऊपर 102 तक है, माइल्ड है। मॉडरेट फीवर 104 के नीचे, 104-106 के बीच में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बच्चों में, स्पेशली यंग बच्चों में, टीनेज बच्चों में भी, या 10 साल के बच्चों में, 6 साल के बच्चों में टॉन्सल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एडिनाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ENT के कॉमन वायरल इन्फेक्शन के दौरान, और इसको हम फ्लू इन्फ्लुएंजा के अंतर्गत लिखते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिकनेस, इसमें भी टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, झटके से 105-106 चला जाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। देखिए इसकी कोई दवा नहीं है, आप कोई एंटीवायरल नहीं खा सकते हैं इसके लिए उसको ठंडी पट्टी रखनी चाहिए, बहुत हुआ तो डॉक्टर्स ने जो आपको पैरासिटामोल बताया वो लेना चाहिए। होम्योपैथिक में कुछ ड्रग्स हैं, बेलाडोना और उनके कॉम्बिनेशन है जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बताएंगे, उसको यूज़ कर सकते हैं। इन सभी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, जानना जरूरी है कि बच्चे को फीवर है तो कितने दिन चल रहा है। अगर 1.5 दिन से ज़्यादा चलता है तो आपको फिर डॉक्टर के देखरेख में रहना चाहिए, चाहे पीडियाट्रिशियन या क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर है, दोनों ही अगर इस केस की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, एंड ऑल द बेस्ट, विल कम बैक अगेन, थैंक यू।
I request Dr. Manish Satsangi, CMD, founder, mentor, to please join us on stage and collect the award. And I request the audience to please welcome him with a round of applause.